गाड़ी तो एक तो 4.5 लाख किलोमीटर चली है, जो अभी वो पुरानी हो गई थी। 4.5 लाख? हाँ, एक गाड़ी चली थी जिसमें मैं शुरू से बैठा था, और उसके बाद में 3-4 साल के अंदर, और फिर अब दूसरी गाड़ी है वो भी लगभग 87,000 किलोमीटर चल चुकी है, और अन्य गाड़ियों में चला वो अलग बात है। अभी नई सड़क बनी है पौकण से भड़ियाना तक, तुरंत बनी, पीछे से टूट गई। अच्छा, एक वर्ष भी नहीं हुआ, उससे पहले तो उसके कंकर निकल गए हैं। पुराने जो मुख्य सड़कें थी टूटी पड़ी है, लोग लुभावने बोटों के चक्कर में लोगों को राजी करने के लिए धोरों में इधर उधर सड़कें घुमाई है, वो भी मटेरियल तो सही लगाया नहीं है, थोड़े दिन बाद वो भी टूट जाएगी। पुराने हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो जर्जर हो चुकी है, स्कूलों भले हमने कॉलेजें खोली, स्कूलें खोली, वो भी आनंद फानन बिल्डिंग बना दी, थोड़े दिन वो भी जर्जर हो जाएगी। शिक्षक का आता पता नहीं, लेक्चरर प्रोफेसर देखने के लिए नहीं है, घोषणाएं बहुत कर दी है, तो इस घोषणा से क्या होता है। हाँ, विकास तो आसपास के लोगों का ही दिख रहा है, उनके भवन भी बोल रहे हैं। नहरी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको अपने आप दिख जाएंगे कि ये मुरबे किनके हैं। साथियों, राजस्थान तक की यात्रा पोखरण के अंदर है। महंत प्रतापपुरी जो कि बीजेपी से प्रत्याशी है, आप देखिए 2018 के अंदर अचानक ही बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार देती है, और उस समय ऐसा बताया जाता है महज कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने ऐसी फाइट दी कि चंद वोटों से हार गए थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है, शायद ही 2018 के बाद में ऐसे कोई राजस्थान के अंदर प्रत्याशी होगा जो चुनाव हारने के बाद में भी रोज 400 से 500 किलोमीटर का सफर तय करता है, पोखरण की जनता के बीच में रहता है और हर मुद्दे पर लड़ाई करता है। और उसी के लिए आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए महंत प्रतापपुरी है। क्या कुछ कहानी है यहाँ की, किस तरीके की लोगों की पीड़ा है, मंत्री जी ने किस तरीके से विकास करवाया, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। बाबजी, सबसे पहला सवाल है, राजनीति में आने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं सबसे पहले तो दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद आभार देता हूँ आपको भी कि आप आए पोकण और पोकण की आवाज़ को सार्वजनिक कर रहे हैं। निश्चय ही पोकण के अंदर मैं मानता हूँ कि देश को स्वतंत्र कराने वाले क्रांतिकारियों ने इसलिए स्वतंत्रता दिलाई थी कि ये प्रजातंत्र हो, प्रजातंत्र की जगह यहाँ परिवार तंत्र पनपा, और परिवार तंत्र, हाँ, परिवार तंत्र पनपा, और परिवार तंत्र के खिलाफ ही अब जैसलमेर की जनता और पोकण की जनता जाग चुकी है कि जब क्रांतिकारियों ने हमें स्वतंत्रता दिला करके प्रजातंत्र दिया था, और यहाँ हम प्रजातंत्र की जगह परिवार तंत्र को पनपा रहे हैं, परिवार तंत्र का हमारे को हावी हो रहा है, तो हम प्रजातंत्र वापिस लाएंगे, यही नीति है। इसलिए मुझे भी यहाँ आना पड़ा कि जनता की आवाज़ उठी कि यहाँ आकर के प्रजातंत्र को स्थापित करें और परिवार तंत्र यहाँ ना चले। अच्छा, परिवार तंत्र का क्यों आरोप लगा रहे, क्या ऐसा कुछ है आपके पास में जो बता सके लोगों को कि परिवार तंत्र हावी है? मैं नहीं, पूरी दुनिया जानती है और जैसलमेर की जनता जानती है कि पिछले 25-30 वर्षों से एक ही परिवार जैसलमेर की सारी राजनीति को अपने घर में समेट के रख रहा है। जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, और जो MLA हो या मंत्री हो, एक ही घर आंगन से पैदा होते हैं। क्या पूरे के पूरे प्रजातंत्र को एक घर में समेटना, ये प्रजातंत्र का हानि है, प्रजातंत्र की हत्या है, और एक परिवार का ही दबदबा दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस में आपने बड़ी सेंधमारी कर दी, चाहे पंचायत का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो। बाबजी, एक बात का, एक सवाल का जवाब देना, इन 5 सालों के अंदर गाड़ी का किलोमीटर कितना हुआ ये जरूर बताना। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ क्योंकि 400-500 किलोमीटर आप सफर करते हैं। देखिए, जीवन का नाम ही चरेवेति, चलना ही हमारा धर्म है, और संत तो चलता ही अच्छा रहता है, चलता साधु और बहता पानी अच्छा रहता है। परंतु मैं तो जो यात्रा कर रहा हूँ मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे राष्ट्र के लिए मुझे चलना है, मेरे देश के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं पोकण में भी चल रहा हूँ। और आपने गाड़ी का पूछा, तो गाड़ी तो एक तो 4.5 लाख किलोमीटर चली है, जो अभी वो पुरानी हो गई थी। 4.5 लाख? हाँ, एक गाड़ी चली थी जिसमें मैं शुरू से बैठा था, और उसके बाद में 3-4 साल के अंदर, और फिर अब दूसरी गाड़ी है वो भी लगभग 87,000 किलोमीटर चल चुकी है, और अन्य गाड़ियों में चला वो अलग बात है। तो कुल मिला के इसका कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग तो गाड़ियों से चलते हैं। हमारे महापुरुषों को देखो, शंकराचार्य जी को देखो, स्वामी विवेकानंद जी को देखो, जब साधन भी नहीं थे तब भी पूरे भारत की यात्रा की थी, धर्म और राष्ट्र के लिए उन्होंने कितना चले, कितना काम किया, वो हमारे आदर्श है, उनको देख करके हमारी यात्रा कोई बड़ी यात्रा नहीं। हाँ ठीक है, ऐसे 500-700 किलोमीटर प्रतिदिन हो जाती है, यानी हरिद्वार तक की यात्रा हम प्रतिदिन कर ही लेते हैं। अच्छा बाबजी, 5 साल कैसे गुजरे पोखरण की जनता के, आप संघर्ष कर रहे थे हर मुद्दे पर, मैं देखता था हर महीने के अंदर सड़कों पर उतरना पड़ता था, ऐसा क्यों? देखिए, ये मेरा कर्तव्य है, मैं कोई एहसान या उपकार नहीं करता हूँ। जब इस क्षेत्र में आया हूँ तो पोकरण की जनता ने मुझे जो प्यार स्नेह और अपनत्व दिया,
उसने यहाँ भाग जाते आम तौर पर हारने के बाद में। देखिए वो मैं नहीं कह सकता कौन क्या करता, मैं तो मेरे कर्तव्य का निर्वहन करता हूँ और मेरा कर्तव्य यही है कि मैं जब बाड़मेर से तारातरा से चल करके 200 किलोमीटर दूर यहाँ आया था पोकण में, तो मैं अकेला निकल के आया था, पर पोकण की जनता ने मुझे अपार साथ दिया। 9 दिन में मात्र 82,000 लोगों ने समर्थन, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। और वो तो ठीक है, हम लोग और कॉन्फिडेंस में चले गए, जिससे हम मात्र मुझे 500 वोट और मिलते तो हम जीत जाते, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी। इतना बड़ा लोगों का साथ और समर्थन मिलना, तो इसलिए पोकण की जनता अपार स्नेह देती है और उसके कारण हम लोग पोकण की जनता के बीच में हर मुद्दे के साथ में सुख दुख के साथी हैं। मैं एक अतिथि के रूप में नहीं आया था, मैं अपना बन के आया था और लोगों ने अपना बन करके मुझे अपनाया और इतना साथ दिया कि मैं मठ को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, स्वयं को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मठ में नहीं बैठता हूँ। पोकण की जनता अभी महीने भर से क्या शेड्यूल रहता है, रात को सुबह किस तरीके के? वैसे तो हमारी दिनचर्या पहले से जब गुरुकुल में अध्ययन करते थे तब से निश्चित हो गई है कि 4:15 बजे कभी 3:30 बजे उठना हो ही जाता है, परंतु इन दिनों में क्या लेट सोना होता है तो थोड़ा सा उसमें विघ्न रहती है, तो ये 4 बजे उठ जाते हैं, फिर अपने नित्य कर्म करके लग जाते हैं, तो चलता रहेगा, इसमें कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। बाकी चैलेंज बड़ा है, मंत्री जी बोल रहे कि हमने खूब काम काज करवाया, यहाँ पर जिला अस्पताल बना दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया, पानी के लिए वो कर दिया, तमाम चीज़ों को लेकर दावा करते हैं, हकीकत क्या है? हकीकत जनता की आवाज़ बता देगी। जब आप भौगोलिक स्थिति से घूमेंगे तो पुरानी सड़कों का क्या हाल है आप देख जाएंगे, बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं, अभी नई सड़क बनी है पोकण से भड़ियाणा तक, तुरंत बनी पीछे से टूट गई। अच्छा, एक वर्ष भी नहीं हुआ, उससे पहले तो उसके कंकर निकल गए हैं, पुरानी जो मुख्य सड़कें थी टूटी पड़ी है, लोक लुभावने वोटों के चक्कर में लोगों को राजी करने के लिए धोरों में इधर उधर सड़कें घुमाई है, वो भी मटेरियल तो सही लगाया नहीं है, थोड़े दिन बाद वो भी टूट जाएगी। पुराने हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो जर्जर हो चुकी है, स्कूलों भले हमने कॉलेजें खोली, स्कूलें खोली, वो भी आनंद फानन बिल्डिंग बना दी, थोड़े दिन वो भी जर्जर हो जाएगी। शिक्षक का आता पता नहीं, लेक्चरर प्रोफेसर देखने के लिए नहीं है, घोषणाएं बहुत कर दी है, तो इस घोषणा से क्या होता है? धरातल घोषणा वो करो जो मोदी जी करते हैं, मोदी जी जिसकी नींव रखते हैं उसका उद्घाटन करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। अब जी मोदी की गारंटी और गहलोत की गारंटी के बीच में कड़ी लड़ाई है, मोदी की गारंटी स्थायी है और गहलोत की गारंटी जादू है, जादू होता, जादू कैसे, जादू छलावा होता, दिखावा होता, हकीकत नहीं होती है, वो भ्रम होता, आंखों का जाल होता है, और मोदी है वो सच्ची गारंटी है। अच्छा, 2 दिन रहे हैं महाराज जी चुनाव के अंदर, किस तरीके का आपको माहौल लग रहा है? बड़ा कसमकस है क्योंकि हर कोई जोर आजमाइश कर रहा है, और जिस तरीके से चाहे कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का नामांकन था, रैली थी, आपके भी थी, अब जो 2 दिन है वो कितने बड़े हैं? रैली से लेकर के 8 दिन तक और 2018 से लेकर के 8 दिन तक एक पीड़ा और दर्द था, एक अंदर से फीलिंग थी पोकण के निवासियों को कि पिछली बार जो हमारी हार बहुत कम अंतर से हुई और जिनसे हम लड़ रहे थे उनकी अराजकता, उनकी एक तानाशाही कैसे? क्योंकि वो सबको मजबूर कर रहे हैं। अच्छा, वो अपने मंजिल पर बुला करके मजबूर कर रहे हैं, मंजिल पर बुला करके मजबूर करते हैं। आसपास के लोगों का बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, बाकी किसी का नहीं। हाँ, विकास तो आसपास के लोगों का ही दिख रहा है, उनके भवन भी बोल रहे हैं, नहरी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको अपने आप दिख जाएंगे कि ये मुरबे किनके हैं, शहर में प्रवेश करोगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है किनकी, वो भी दिख जाएगा। तो वहाँ विकास तो जो हुआ किसका हुआ, परंतु प्रजातंत्र को स्वतंत्रता इन्होंने नहीं दी, प्रजातंत्र को मजबूर नहीं किया। लग रहा है किस तरीके का नहीं, जनता ने मन पहले बना लिया था, 2018 की जो हार हुई थी उसके बाद में जनता पोकण की जनता ने तय कर लिया था कि ये उचित परिणाम नहीं आया, क्योंकि हम लोग थोड़े आलस्य में रह गए और तभी से ठान लिया था कि 2023 कब आएँ और हम कमल खिलाएं। तो जनता का मन बन चुका है, यह पोकण में कमल खिलेगा, राजस्थान में कमल खिलेगा और यहाँ के नागरिकों के चेहरे भी कमल। राजस्थान में आपसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को। देखिए, राजस्थान में उम्मीदें तो भगवान पूरी करें, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, मैं तो मेरे कर्तव्य का निर्वहन करने आया हूँ, मेरा उद्देश्य तो पोकण है, प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना, परिवार तंत्र को आगे नहीं बढ़े इसके लिए आया हूँ, और बस भारत मजबूत हो, प्रदेश मजबूत और सक्षम हो के आगे बढ़े। आप सुन रहे थे इस समय महान प्रतापपुरी को, जो कि बीजेपी से पोकरण के प्रत्याशी है, सीधे तौर पर इनका आरोप है कि परिवारवाद को खत्म करने के लिए वो यहाँ आए। दिनेश बोहरा, पोकरण, राजस्थान तक।